कभी कल्पना तो कभी हकीकत को छू लेती हूँ। जो महसूस करती हूँ उसे शब्दों में पिरो लेती हूँ। मुमकिन नहीं कि रख पाऊँ आप सबके समक्ष हर बात, पर कोशिश करके देख लेती हूँ। आप सभी को एकता कोचर रेलन का प्यार भरा नमस्कार। जब शब्द हर मन पहुँचने लगे, सब दिल की गुल्लकें भरने लगे, बेचैन हो उठे कुछ लोग कहें हमसे, सुनो क्या तुम तिजोरियां भरने लगे। जी हाँ, लेखक ऐसे भावों में बहकर लिखता है ये वो ही जानता है, लेकिन वो क्या कमाता है ये सबको जानना है। कुछ ऐसे ही भाव लिए हुए मेरी कविता है जिसका शीर्षक है बिकाऊ नहीं। पूछने लगे आजकल कुछ लोग हमसे, आजकल तो छपने लगे हो तुम, अखबारों में, किताबों में, फेसबुक पर बहुत छाए रहते हो, रोज नए सम्मान पत्र पाते हो, आखिर कितना कमाते हो तुम। खुद को तुम निचोड़कर आराम को भूलकर अनवरत लगे रहते हो तुम, ना भूख ना प्यास, जल्दी ही खूब बैंक बैलेंस इकट्ठा करोगे तुम। हमने कहा तुम क्या जानो हमारी रचना का मूल्य, बूंद बूंद कर सागर जैसे रचना को पिरोया है हमने, तिजोरी भरने की लालसा नहीं, हमें तो चाहिए बस मुट्ठी भर प्रशंसा, हाँ यही तो है मेरी रचना की कीमत, बस यही कि कोई पढ़े तो बस समा जाए उसमें, जी जाए उसमें, ले पाए प्रेरणा या फिर दे पाए उसके अधरों पर मुस्कान, क्योंकि मेरी रचना बिकाऊ नहीं। हाँ, बिकाऊ नहीं। धन्यवाद।